सर सीडीएसएल इस पे क्या राय बनती है? देखिए सीडीएसएल नंबर वन आप समझ लो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आज के दिन एनएसडी से ज्यादा अकाउंट्स है इसके पास। और थोड़ी देर पहले मैं न्यूज में देख रहा था कि अब आगे चल के म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस वगैरह सबके लिए एक डीमैट खोल दे वैसा एक ये सिस्टम आने वाला है। और जो फाइनेंशियल सेविंग्स है और फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन है इंडिया में, इसका वॉल्यूम यहाँ से और आगे चल के बढ़ने वाला ही है। तो सीडीएसएल एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगा। स्टॉक यहाँ पे वैल्यूएशन कॉस्टली लग रहा है, 100% डेफिनेटली कॉस्टली लग रहा है। लेकिन आप अगर डिपेंड करता है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो शॉर्ट टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसको आप 101% लेके रख सकते हो और ऑन एवरी डिप आप इसको अक्यूमुलेट भी कर सकते हो। ये एक्चुअली अक्यूमुलेशन जोन में ही चल रहा है अभी, तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट कीजिए। आई थिंक एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में मतलब आपको इसको 10 साल के लिए लेके छोड़ देना चाहिए ऐसा स्टॉक। जी, तो ये थी राय सीडीएसएल पर।